औद्योगिक नगरी पीतमपुर में बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं मृतक पर एक दिन पूर्व कुछ युवकों के साथ विवाद की बात सामने आई है, जिसके चलते परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की हत्या एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा की गई है। वहीं सूचना मिलते ही हिंदू संगठन थाने पर पहुंच गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल मौके पर पहुंच गए और हिंदू संगठन के लोगों को समझाइश देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही का आश्वासन देकर किसी तरह पूरा मामला शांत करवाया। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बगदून तालाब के पास राजेश रघुवंशी नामक युवक के फांसी लगाने का मामला सामने आया। वहीं जांच के दौरान पता चला कि एक दिन पूर्व मृतक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, उसी विक्षोभ के चलते उसने फांसी लगा ली। जांच के बाद विवाद करने वाले कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 नाबालिग भी है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। क्या था पूरा मामला, हत्या का? बगदून तालाब के पास राजेश पिता राजमल रघुवंशी जो खजूरिया सीहोर का रहने वाला है, वो सब घर में फांसी लगा लिया था। पुलिस जब वहाँ जांच में गई तो ये पता चला कि एक दिन पहले 2-3 आदमियों से इसकी मारपीट हुई थी और उसी विक्षोभ में उसने फांसी लगा दी। और जब पूरी जांच की गई तो इसमें 3 एक समुदाय के लोग और 2 एक 5 आदमी कुल आए, जिसमें 2 नाबालिग हैं, और सभी को राउंड अप कर लिया गया है और पीएम रिकॉर्ड कराया गया है। पीएम ने डॉक्टर साहब ने इसको बताया है कि ये सुसाइड हैंगिंग केस है। पूरी जांच करने के बाद अपराध धारा 365, 323, 306, 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सभी आरोपी राउंड अप हो गए हैं, जिन्हें जुडिशल रिमांड भेजा जा रहा है। आपका नाम? तरुण सिंह बघेल, CSUP। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।